तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ईमेल दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला मेल है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। इस ईमेल को दोस्तों मुलायम सिंह पाल सर ने भेजा है, और इन्होंने क्या लिखा है अब ये पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा है, आप इस तरह से भी बनाना सिखा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि सर, क्या आप इस तरह का वीडियो बनाना सिखा सकते हैं। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का हम वीडियो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये बच्चों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप भी छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और आप भी दोस्तों इस तरह का अ से अनार आ से आम वाले वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह का ही वीडियो बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस तरह का वीडियो बनाना सिखा दूंगा, तो आप इस तरह का वीडियो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। लेकिन जब हम इस तरह का वीडियो बनाएंगे, तो इस पे अर्निंग कितनी होगी, इसकी अर्निंग कितनी होगी? तो दोस्तों इसकी जो अर्निंग होगी वो कुछ इस तरह से होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चैनल का नाम है मेरी इच्छा सबको शिक्षा, और यहाँ पे मैं आपको इस चैनल का नाम दिखा देता हूँ, मेरी इच्छा सबको शिक्षा। तो दोस्तों इसकी अर्निंग आपको यहाँ पे देख ही रहा होगा कि इस चैनल से कितनी अर्निंग हो रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये जो चैनल है, इन्होंने जो है मात्र 26 वीडियो अपलोड किए हैं, और 26 वीडियो अपलोड करके दोस्तों ये जो है अपने YouTube चैनल से पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो हम भी बनाएं और हम भी इस तरह से पैसे कमाएं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप से, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा कि आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, जो चीजें दिख रहा है इस चीज को दोस्तों हमें क्या करना होगा, बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस पावरपॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि एक टेम्पलेट बना लेंगे। इससे क्या होगा कि हम इस चीज़ को बार बार यूज कर पाएंगे, और बार बार जो है ये सारी चीज़ें डिजाइन करने में हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यानी कि एक बार मेहनत करके हम फिर जो है उस चीज़ को लाइफ टाइम यूज करके वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। मेहनत आपको सिर्फ एक बार ही करना है, ठीक है। तो टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से न्यू स्लाइड ले लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्लाइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, व्यू टैब पे क्लिक करूँगा। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर में जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्लाइड रहने देना है और बाकी सभी स्लाइड को डिलीट कर देना है, ठीक है। बाकी सभी स्लाइड को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके बाकी सभी स्लाइड को डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर वाली स्लाइड में आएंगे। ये जो सबसे बड़ी स्लाइड दिख रही है थीम स्लाइड, आपको इस स्लाइड में आ जाना है, और देन दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इसे दोस्तों आप कर देंगे डिलीट, ठीक है। इस तरह से आप इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसमें चीज़ों को डिजाइन करना है। अगर दोस्तों आपको सेम टू सेम ऐसा ही डिजाइन करना है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि इनसे जो है मेरा वीडियो बेहतर बने, इनसे थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो उसके लिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग फॉर्मेट बैकग्राउंड में जा करके इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सॉलिड फिल में जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों हमें कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन कलर या जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर दोस्तों आप इसमें इंसर्ट करवा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। या तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है ब्लैक कलर फिल करवा सकते हैं, यहाँ से इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। होम टैब में जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेना है, और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। यानी कि ऊपर थोड़ा सा जो है हम लोग जगह रखेंगे,
और नीचे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जगह रखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये चीज़ें हम लोग बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो है आप अपने YouTube चैनल का जो है URL वगैरह डाल सकते हैं, और नीचे दोस्तों आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा रेक्टेंगल है, ये जो हमारा सेफ है, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेफ फिल में जाएंगे। सिर्फ फिल में जाने के बाद दोस्तों आप इसमें कोई दूसरा कलर ऐड करना चाहें तो दोस्तों आप इसमें कोई दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें कोई इमेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें जो है कोई मतलब बैकग्राउंड में जो है कोई इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं उनके ही जैसा बनाऊँगा, यानी कि बिल्कुल वाइड रखूँगा, और यहाँ से दोस्तों मैं सेफ आउटलाइन में जा करके नो आउटलाइन कर दूँगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बनेगा, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है एक शेप बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये इमेज हमारा आता रहेगा और यहाँ पे जो है हमारा टेक्स्ट आता रहेगा और यहाँ पे हमारा जो है यूट्यूब चैनल का लोगो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल का लोगो इंसर्ट कर देंगे। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से दोस्तों दिस डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपने लैपटॉप या पीसी के उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ दोस्तों हमारा लोगो है, उस लोगो को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देन दोस्तों हम लोग अपना लोगो जो है यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे। और देन दोस्तों आपको क्या करना है, शिफ्ट को दबा के रखना है। शिफ्ट को दबा करके दोस्तों आप क्या करेंगे, कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और देन दोस्तों आप इसे यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक शेप डिजाइन करना है, जैसा कि इनके वीडियो में यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है सेम इसी तरह से दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करवानी है। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों शेप का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरह का जो है शेप यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का शेप हमें यहाँ पे मिल गया है। तो दोस्तों यहाँ से इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और देन दोस्तों इस तरह का शेप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये शेप हम लोग ड्रॉ कर देंगे और देन दोस्तों सेफ फिल में जाएंगे इस, और इसमें दोस्तों कुछ इस तरह का ऑरेंज कलर फिल करवा सकते हैं। और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, सेफ आउटलाइन में जाएंगे। सेफ आउटलाइन में जाने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें कुछ इस तरह का आउटलाइन इंसर्ट करवा देंगे, मतलब हल्का ग्रे कलर का आउटलाइन लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों वापस से सेफ आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ से दोस्तों वीड में जाएंगे और इसका जो आउटलाइन का जो वीड है, इसकी जो मोटाई है वो दोस्तों आप यहाँ से बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से सेफ इफेक्ट में जाना है, उसके बाद प्रीसेट में जाना है और इसमें दोस्तों आप अगर कोई प्रीसेट लगाना चाहें, कोई इफेक्ट लगाना चाहें तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, या तो दोस्तों आप यहाँ शैडो में जा करके आप इसमें कुछ इस तरह का शैडो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें डिजाइन हो जाएगा, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना है कभी अ से अनार, कभी अ से आम। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे और स्लाइड मास्टर में रहते हुए दोस्तों अब हमें क्या करना है, नीचे वाली स्लाइड में आना है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों अब आपको क्या करना है, चीज़ों को डिजाइन करना है। चीज़ों को डिजाइन कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, यानी कि कुछ लिखना है, जैसे अ से आम, अ से अनार, इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे लिखना है, आ आ क ख ग, इस तरह की चीज़ें लिखना है। तो लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक लिखने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाना है, यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जा करके टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और फिर दोस्तों आप यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देंगे, बीच में क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको एक डॉट दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस डॉट को नन कर देंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिख देंगे अ से अनार अ, ठीक है, अ लिख देंगे और फिर दोस्तों इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा देंगे, मतलब जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा आप यहाँ से कर देंगे। फॉन्ट साइज मैं 166 रख दूंगा और यहाँ से दोस्तों मैं मिडिल कर दूंगा और अलाइन टेक्स्ट में जा करके यहाँ से भी मैं मिडिल कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस ये जो हमारा सेफ है इसके बीच में कुछ इस तरह से रख देंगे और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ से बोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों देख लीजिएगा कि आपको जो है फॉन्ट साइज कितना रखना है, ठीक है, जो सही लगे वो आप यहाँ से रख देंगे।
और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी पसंद का फॉन्ट इसमें अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा जो है अ से अनार या अ से आम, इस तरह की चीज़ें लिखने के लिए यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ना होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा अ, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अ से अनार। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, वापस से एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड मास्टर में जाएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट प्लेस होल्डर, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और वापस से दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देंगे। फिर दोस्तों बीच में क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और इन सभी को दोस्तों डिलीट कर देंगे। और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से होम टैब में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को फॉर्मेटिंग कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अ से अनार। ठीक है, अ से अनार, और फिर दोस्तों इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर दूंगा कुछ इस तरह से। और ये डॉट रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप यहाँ से जा करके इसे कर देंगे नन, और यहाँ से दोस्तों आप इसे कर देंगे मिडिल, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से फॉन्ट का कलर कर देंगे ग्रीन या रेड, जो भी रखना चाहें आप इस तरह से कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आप इसे कर देंगे बोल्ड। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा जो है बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या बना दिया है, ये बना दिया है, ये बना दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ जो है इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक इमेज प्लेस होल्डर इंसर्ट करना होगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्लाइड मास्टर में जाएंगे। स्लाइड मास्टर में जाने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाएंगे। ठीक है, और देन दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से ऑनलाइन इमेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑनलाइन इमेज सेलेक्ट कर लेना है और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, शिफ्ट को दबा करके यहाँ पे इस तरह का एक इमेज प्लेस होल्डर चकोर टाइप का बना लेंगे कुछ इस तरह से। बाकी यहाँ पे दोस्तों कोई सोशल मीडिया आइकन वगैरह लगाना चाहें तो आप इंसर्ट में जा करके, पिक्चर में जा करके, दिस डिवाइस में जा करके, तो यहाँ से दोस्तों आप उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पे आपने कुछ इस तरह का इमेज डाउनलोड करके रखा है, और फिर दोस्तों आप इस इमेज को इंसर्ट करवा देंगे और फिर दोस्तों शिफ्ट की को दबा करके इस तरह से इसकी साइज को छोटा कर देंगे और देन दोस्तों आप इसे यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरह से। और फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, अलाइन में जाएंगे, यहाँ से कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये आपका जो है ये स्लाइड डिजाइन हो जाता है। ठीक, इतना हो गया। अब दोस्तों हम लोग नीचे वाली स्लाइड में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो है टेम्पलेट बन जाएगा। टेम्पलेट बन जाने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें जो है एनिमेशन लगाना है। तो एनिमेशन किस टाइप का लगेगा, यहाँ से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से चीज़ें आ रही है। यहाँ पे देखिए, ये जो है इस तरह से जूम होकर के आ रहा है, ये भी जूम होकर के आ रहा है और ये भी एक साथ में ही आ रहा है, मतलब सारे जो है एक साथ में आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जूम होकर के आ रहा है और फिर वो चले जा रहा है, रुक रहा है फिर वो चले जा रहा है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो सेम इसी तरह से दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे चीज़ों को ऐड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें एनिमेशन लगाएंगे और फिर दोस्तों ये जो हमारा इमेज प्लेस होल्डर है तो इस पर भी क्लिक करेंगे, लेकिन ऐसे क्लिक नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसके किनारे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल की दबा के रखेंगे, कीबोर्ड पर कंट्रोल की दबा करके रखेंगे और देन दोस्तों यहाँ हम लोग क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा और एक साथ सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, एनिमेशन लगाने के लिए एनिमेशन टैब को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग एनिमेशन पेन ओपन कर लेंगे ताकि हम लोग देख सकें कि इसमें जो एनिमेशन लगा रहे हैं वो यहाँ पे किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें एनिमेशन लगाना है। तो उन्होंने जो एनिमेशन लगाया था इसमें जो है कुछ इस तरह का जूम एनिमेशन लगाया था, कुछ इस तरह से आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर देंगे स्टार्ट विथ प्रीवियस, कुछ इस तरह से हम लोग कर देंगे स्टार्ट विथ प्रीवियस, इस तरह से कर देंगे। और उसके बाद ये दोनों एक साथ कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि इस तरह से ये लिखा हुआ भी आएगा और यहाँ पे इमेज भी आएगा। यहाँ पे अभी हमने इमेज नहीं लगाया है इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है अ से अनार, इसमें भी दोस्तों हमें क्या करना है, एनिमेशन लगाना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाइप एनिमेशन लगा देंगे और यहाँ से दोस्तों इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट, तो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट ऑन क्लिक है तो हम लोग कर देंगे आफ्टर प्रीवियस कर देंगे
तो ये हो जाएगा, यानी कि पहले जो है ये आएगा और ये इमेज एक साथ आएगा और थोड़ा सा जो है डिले होकर के ये हमारा अर्श अनार लिखाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इसके वीडियो में देख सकते हैं कि साथ में ये आ रहा है या थोड़ा सा ये लेट आ रहा है, उसे उल्लू हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखिए, ये नहीं साथ में ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है सभी साथ में ही आ रहे हैं, एक साथ ही स्क्रीन पे आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग कर देंगे विथ प्रीवियस। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें एक साथ में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसमें एनिमेशन लग जाएगा, इसमें दोस्तों ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से एनिमेशन पेन को क्लोज कर देंगे। एनिमेशन पेन को क्लोज करने के बाद स्लाइड मास्टर में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो टेम्पलेट है वो बन के रेडी हो जाएगा। जब दोस्तों आपका इस तरह का टेम्पलेट बन जाएगा, उसके बाद दोस्तों एक बार यहाँ से आप इसे रीसेट कर देंगे और उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको इस टेम्पलेट को अपने लैपटॉप या पीसी में सेव कर लेना है। इसको ऐसे नहीं है कि आपको जो है फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर आप यहाँ से सेव कर देंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से चलिए पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया, अब इसे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है और डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेना है और देन दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव करेंट थीम, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों अब आप इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए से ए। इस तरह की वीडियो हमें बनानी है तो इस नाम से मैं इस टेम्पलेट को क्या करूँगा, यहाँ पे सेव कर दूँगा। ठीक है, अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो इस तरह का हमने बना लिया, लेकिन इस तरह का अब वीडियो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, वापस से अपने लैपटॉप या पीसी में जब आप उस तरह का टेम्पलेट बना लेते हैं, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, वापस से अपने लैपटॉप या पीसी में इस पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये टेम्पलेट मिल जाएगा। अभी जो आपने चीज़ें डिजाइन की है, जो थीम आपने बनाई है, वो टेम्पलेट दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप फॉर्म टैब में जाएंगे और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से रीसेट कर देंगे। ठीक है, या तो आप यहाँ लेआउट में जा करके यहाँ से लेआउट इसका चेंज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का लेआउट आ जाएगा, यानी कि आपका जो टेम्पलेट है वो आ जाएगा। अब दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लिख देना है अर्श अनार, जैसे कि पहला स्लाइड जो हमारा रहेगा वो रहेगा अर्श। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा अनार अनार। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अनार का क्या करना है, इमेज लगा देना है। तो अनार का इमेज लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है इमेज प्लेस होल्डर का, आपको यहाँ क्लिक कर देना है और यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है अर्श अनार। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है अर्श अनार और उसके बाद दोस्तों आपको एंटर कर देना है। ऐसे दोस्तों आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे अनार का इमेज आ जाएगा। ठीक है, मेरे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट है इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है और ये तभी आएगा जब दोस्तों आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आ गया अर्श अनार। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो फिल्टर आइकन है, फिल्टर आइकन पे क्लिक करेंगे। फिल्टर आइकन पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिप आर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर दोस्तों आपको मिलेगा अर्श अनार। यहाँ पे ये आ गया अर्श अनार, यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो और भी आपको इस तरह का इमेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इमेज नहीं मिलता है, ठीक है, अगर आपको इस तरह का इमेज नहीं मिलता है तो दोस्तों आप यहाँ से चेक टिक हटा देंगे और चेक टिक हटाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इमेज और भी आ जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इंसर्ट, उसके बाद दोस्तों यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करवा देनी है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है एक स्लाइड बन के रेडी हो जाएगा। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करके, यानी कि शिफ्ट की को दबा करके आप इसकी साइज को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका अर्श अनार वाली स्लाइड बन जाएगी। फिर दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रांजेक्शन में जाना है और यहाँ से दोस्तों आप इसमें फेड ट्रांजेक्शन अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से।
और अगर आप इसमें कोई दूसरा ट्रांजेक्शन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इसमें जो है कुछ इस तरह से फेड ट्रांजेक्शन थोड़ा सा रखेंगे, और यहाँ से इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों ये ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल कम रखना है, यहाँ से 25 ही रखना है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आप कोई साउंड लगाना चाहें तो दोस्तों आप यहाँ से जा कर के अदर साउंड में जा कर के उस साउंड लगा सकते हैं, ठीक है। मैं लगा दूंगा, ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है एक स्लाइड बन जाएगा। अब दोस्तों हमें दूसरा स्लाइड बनाना है, तो दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो न्यू स्लाइड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे जो न्यू स्लाइड लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह का ये स्लाइड आ जाएगा। फिर दोस्तों आप लेआउट में जा करके यहाँ से ये वाला लेआउट सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों इसमें हमने बनाया आशय अनार, अब हमें क्या करना है, यहाँ से लिखना है आशय आम। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डबल ए आशय आम, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डबल ए एम आम। और यहाँ पे दोस्तों हमें आम का जो है इमेज इंसर्ट करवा देनी है। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम लोग लिख देंगे आम, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस तरह से आम लिख देंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने आम का इमेज आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आम का इमेज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से फिल्टर आइकन पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से क्लिप आर्ट सेलेक्ट करेंगे, क्लिप आर्ट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको आम का इमेज मिल जाएगा। और फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से आम का जो इमेज है वो इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें से ये इमेज पसंद नहीं आता है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, यहाँ यानी कि ये जो टिक टिक है इसे हटा देंगे, तो कुछ इस तरह का आम आ जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इस इमेज को दोस्तों आप यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट करवा देंगे, तो इस तरह से दोस्तों इसमें ये इमेज लग जाएगा। और फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, शिफ्ट की को दबा के रखेंगे, कीबोर्ड पर शिफ्ट की को दबा करके रखेंगे, और फिर दोस्तों आप इस तरह से इसे बढ़ा देंगे, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है ये इमेज लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको दो स्लाइड बना करके दिखाई है, बाकी दोस्तों आप जितना बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसमें आप A4 एप्पल वाली भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, न्यू स्लाइड आ जाएगा, लेआउट में जाऊँगा, यहाँ से ये वाला लेआउट ले लूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा A4 एप्पल, ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ A, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल, APPLE एप्पल, और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, एप्पल का इमेज लगा दूँगा। तो इसके लिए यहाँ मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्पल APPLE और एंटर कर दूंगा, इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से टिक टिक हटा देना है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इमेज आ जाएगा। और फिर दोस्तों आप यहाँ से फिल्टर आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिप आर्ट सेलेक्ट करेंगे, क्लिप आर्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इमेज आ जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ से जो इमेज पसंद हो वो इमेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट करवा देंगे। तो ये दोस्तों आपका A4 एप्पल वाली स्लाइड बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये करते जाएंगे और स्लाइड बनाते जाएंगे। जब दोस्तों आपका ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाएगा, जब आपका स्लाइड बन जाएगा, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जब दोस्तों आपका ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाएगा, उसके बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से पूरे कंप्यूटर का स्क्रीन कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे पावर पॉइंट में आएंगे, इस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आएंगे। आने के बाद अब आपको क्या करना है, स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करना है। स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माउस कर्सर को अनसेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से ऑडियो को सेलेक्ट रखेंगे, और यहाँ से दोस्तों रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और माउस कर्सर को दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर से साइड में रख देना है, ठीक है, ऊपर से ला करके माउस कर्सर को साइड में रख देना है। और उसके बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड का जो अप एरो होता है, अप एरो और डाउन एरो जो होता है, उससे दोस्तों आप इस स्लाइड को प्ले कर सकते हैं। तो पहले मैं अप एरो कर लेता हूँ, अप एरो प्रेस करके मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन एरो को प्रेस करेंगे। जैसे डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग जो है इस तरह से डाउन एरो को प्रेस करते जाएंगे, और इस तरह से ये सारी चीज़ें आती जाएगी और हम पढ़ते जाएंगे।
आशे अनार, इस तरह से दो बार बोलना है। और फिर बाद में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जा कर के इसकी ऑडियो का जो वॉइस टोन है वो एक अपने जैसा रखेंगे, मतलब एक टीचर का आवाज़ रहेगा और एक बच्चे की आवाज़ रहेगा। ये तो आप पास में कोई अपना एक बच्चा बिठा के रख सकते हैं जो कि बच्चे की आवाज़ में बोलेगा, यानी कि जो आप बोलेंगे उसी को सुन करके वो बच्चा आपके सामने बोलेगा, तो वो भी रिकॉर्ड होगा और आपका भी रिकॉर्ड होगा। या तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपनी ही आवाज़ में दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि आप खुद जो है दो बार बोलेंगे अ से अनार, फिर बच्चे के जैसा आप भी बोलेंगे अ से अनार, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर के क्या करेंगे, वो बच्चे वाली आवाज़ को क्या करेंगे, थोड़ा सा पतला कर देंगे, उसकी पीच को चेंज कर देंगे। तो इस तरह से एक ही आदमी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे बट उसमें जो है वॉइस दो तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा आशे आम, फिर इस तरह से, या तो आप ए फॉर एप्पल इस तरह से पढ़ाना चाहें तो आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं, आशे अनार, आशे अनार, फिर यहाँ पे आशे आम, आशे आम, ए फॉर एप्पल, इस तरह से करना है, ठीक है। और ये चीज़ें करने के बाद अब आपको क्या करना है, माउस कर्सर को ऊपर ले करके जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है, तो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ये वीडियो बनके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ट्रिम कर लेना है। वीडियो को ट्रिम करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इसमें अगर कोई फ्रेम वगैरह लगाना चाहें तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कुछ और करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्लेबैक में जाना है, यहाँ पे ट्रिम वीडियो में जाना है, और ट्रिम वीडियो में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस वीडियो को थोड़ा सा ट्रिम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा और लास्ट में थोड़ा सा ये यहाँ तक रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा, और उसके बाद ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका वीडियो बनके रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसकी जो आपका वीडियो है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव मीडिया एज, सेव मीडिया एज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव मीडिया एज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मीडिया वन मैंने नाम दे दिया है, अब आपको कर देना है सेव, बस इतना ही दोस्तों आपको करना है। और इतना करते ही दोस्तों आपका जो है बच्चों वाली वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। चलिए ये वीडियो दोस्तों हमारा बन चुका है, अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि हमारा जो वीडियो बना है वो किस तरह का बना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा फाइनल वीडियो, ठीक है। अब मैं इसे आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा जो वीडियो बना है वो किस तरह का बना है। तो इस तरह से कैसे करना है, फिर से मैं एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आ से अनार, आ से अनार, फिर यहाँ पे आ से आम, आ से आम, ए फॉर एप्पल।